नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जहांगीरपुर बैसी में लगातार हो रही कटाव स्थल का विधायक ने लिया जायजा। स्थानीय अधिकारियों की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस द्वारा अवैध वसूली का वीडियो वायरल होते ही एसपी ने लिया संज्ञान। आरोपी पुलिसकर्मी को किया लाइन हाजिर। बकरीद को लेकर बकरा बाजार व गुलजार सुल्तान अजमेरी और शेरू ने मचाई धूम। पीजी जूलॉजी विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ शुभारंभ। कुलपति ने साइंटिफिक रिसर्च को अपनाने पर दिया जोर। और बालू लदे अनियंत्रित ट्रैक्टर से दबकर चालक की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजय शर्मा शुक्रवार को नवगछिया रगरा प्रखंड के जहांगीरपुर वैसी गांव पहुंचे, जहां विधायक ने कटाव स्थल का जायजा लिया। इस दौरान अजय शर्मा ने कटाव के कारण पैदा हुए हालातों का जायजा लेने के बाद बिहार सरकार और स्थानीय अधिकारियों की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को कटाव की विभीषिका झेलनी पड़ रही है और कटाव के कारण अब तक करीब 100 घर कोसी नदी में विलीन हो चुके हैं, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर और बेसहारा हो गए। वहीं कटाव पीड़ितों की समस्याओं को देखकर कांग्रेस विधायक ने सरकार और जिले के पदाधिकारियों से उन सभी को भोजन समेत जरूरी सुविधा मुहैया कराने की मांग की। साथ ही नगर विधायक ने अपने स्तर से भी ग्रामीणों को भोजन मुहैया कराने की बात कही। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने ऐसे तमाम क्षेत्रों में कटाव निरोधी कार्य में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। और सरकार की तरफ से जो कटाव को बचाने का काम होना चाहिए बिल्कुल नगण्य है और अभी शुरू हुआ है। जो बालू भर के दे रहे हैं उससे कोई बचना नहीं था। निश्चित तौर पर बहुत नुकसान हुआ है गाँव वासियों को। सरकार निश्चित तौर पर इस पर ध्यान नहीं दी और मैं इसलिए देख के आया हूँ, बात सुन के जा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और इनको जो विस्थापित है उनको बसाने का काम करिए। जिनकी क्षतिपूर्ति करनी होगी, जिनका मकान गया है, जो विस्थापित हैं उनको अभी तक बच्चे परिवार को कोई खाना पाना किसी का कोई इंतजाम नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। और जो भी काम हुए हैं ये बिल्कुल खाना पूर्ति हुआ है और ये लूट है, इसकी आवाज़ मैं बनूंगा, क्योंकि जनता की आवाज़ हम लोग सदन में भी बनते हैं और बाहर भी। इसलिए मैं देख के अभी लोग गांव वाले सबसे सुना हूँ, बहुत ही हालत ख़राब है, बिल्कुल लूट मचा हुआ है, इसको आवाज़ बनेंगे और हम माननीय मुख्यमंत्री से हम समझते हैं कि इस पर संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस जिला नवगछिया के रगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ओवरब्रिज के समीप कथित रूप से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी जानकारी मिलने पर नवगछिया एसपी के निर्देश पर इस वायरल वीडियो की सत्यता और अवैध वसूली मामले की जाँच के निर्देश दिए गए। वहीं जाँच रिपोर्ट की माने तो वायरल वीडियो में अवैध वसूली की बात स्पष्ट नहीं है। इधर इस वायरल वीडियो को लेकर नवगछिया एसपी शांत कुमार सरोज का कहना है कि वीडियो में पुलिस की गतिविधि संदेहास्पद जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अवैध वसूली की बात पूरी तरह से साफ नहीं है। साथ ही एसपी ने कहा कि पुलिस के लिए उसकी छवि सबसे महत्वपूर्ण होती है और संदेह के आधार पर वीडियो में दिख रहे पीएसआई शशि कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जबकि चालक गौतम कुमार को 1 माह तक ड्यूटी से अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। वो देखिए, हमने देखा है, जांच रिपोर्ट भी आ गया है, उसमें कहीं क्लियर कट तो नहीं आ रहा है कोई राशि लेते हुए, लेकिन वहाँ पर जो एक्टिविटी है वह संदेह से परे भी नहीं है और पुलिस के लिए छवि बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम लार्जर इंटरेस्ट में देखते हुए जो पदाधिकारी था पीएसआई शशि कुमार, उसको लाइन क्लोज किया है और उसने शो कॉज भी किया है, और जो चालक था बीएचजी गोपाल गौतम कुमार से, हमने उसका 1 माह का ड्यूटी बंद भी कर दिया है। और ये मैसेज सभी पदाधिकारियों के लिए, सभी गश्ती के लिए है, जहाँ भी छवि से संदेश से परे घटना होगी तो फिर देखना पड़ेगा। ईद उल अजहा को लेकर मुस्लिम समुदाय में खुशी का माहौल है। इसे लेकर लोग घरों, मस्जिदों एवं ईदगाहों की साफ सफाई सहित अन्य कामों में जुटे हैं। भागलपुर में शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही शांति समिति के सदस्यों का सहयोग भी लिया जा रहा है। बकरीद के अवसर पर दी जाने वाली कुर्बानी को लेकर भीकनपुर जामा मस्जिद के इमाम कारी नसीम अहमद अशरफी ने बताया
बताया कि कुर्बानी का मकसद अल्लाह के नाम पर अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान कर देना है। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें त्याग और बलिदान का संदेश देता है। मौलाना नसीब अहमद अशरफी ने कुर्बानी के जानवरों के अवशेष को इधर उधर ना फेंकने की अपील की। इधर बकरीद को लेकर भागलपुर का बकरा बाजार गुलजार रहा। शुक्रवार को तातारपुर चौक पर काफ़ी चहल पहल दिखी। वहीं कुर्बानी के बकरों की कीमत भी उनके वजन और खूबसूरती के हिसाब से तय की जा रही है। बाजार में लाए गए शाहरुख, सलमान, हीरा, जॉनी और आमिर नाम के बकरों की बोली लगी तो मजमा उमड़ पड़ा। जबकि बकरा नस्ल के सुल्तान शाहजहां, आजमेरी तैमूर, शेरू कैप्टन और अकबर ने अपने फुर्तीली अंदाज से धूम मचा दिया। कारोबारियों ने बताया कि तातारपुर बकरा बाजार में 10,000 से लेकर 70,000 रुपये तक बकरे की बोली लग रही है। बकरा खरीदने आए लोगों ने बताया कि बकरीद पे बकरे की कीमत बढ़ जाती है। बरहपुरा के एक व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने 2 बकरा 22,000 रुपये में खरीदा। तातारपुर में किंग बकरा 40,000, सलमान 50,000, मोती 60,000 एवं शाहरुख 65,000 रुपये में बिक चुका है। भागलपुर में आसपास के जिलों से भी व्यापारी बकरा बेचने आए। बाजार में तंदुरुस्त बकरों की डिमांड अधिक है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में शुक्रवार को रिसर्च मेथोडोलॉजी विषय पर UGC प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ। सेमिनार का उद्घाटन JP विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, BNMU मधेपुरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर AK राय, TMU के पूर्व प्रभारी कुलपति प्रोफेसर छमेंद्र कुमार सिंह और आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। विभाग के छात्राओं ने कुलगीत की प्रस्तुति दी। सेमिनार में ऑनलाइन मोड में अमेरिका से डॉक्टर हरीश सिंह गौर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता भी जुड़ी। उन्होंने अपने संबोधन में रिसर्च मेथोडोलॉजी की बेसिक और सारगर्भित जानकारी प्रतिभागियों को दी। उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि शोध गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने कहा कि छात्रों को ग्रास रूट पर शोध करना चाहिए। शोधार्थी असफलता से कभी नहीं घबराए बल्कि ईमानदार प्रयास से सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने PPT प्रस्तुत करते हुए कहा कि शोधकर्ताओं को क्वालिटी रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर अली ने रिसर्च टॉपिक के चयन में शोधकर्ताओं को सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि शोध का टॉपिक आइडिया, अनुभव, अध्ययन और वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। रिसर्च का लक्ष्य और उद्देश्य अस्पष्ट होना चाहिए। प्लान और रणनीति के साथ शोध कार्य को शुरू करें। मौके पर उन्होंने विभाग के प्रख्यात शिक्षक JS दत्ता मुंशी के योगदान को याद किया। वहीं TMU के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने कहा कि शोधार्थी को सबसे पहले लाइब्रेरी जाकर लिटरेचर खोजना चाहिए। इस टॉपिक की कल्पना छात्र ने की है, उसकी पड़ताल जरूरी है और यह काम लिटरेचर ढूंढने से ही होगा। जबकि TMU के पूर्व प्रभारी कुलपति प्रोफेसर शर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि रिसर्च करने वाले छात्र अपने टॉपिक और गाइड का चयन सोच समझ कर करें। DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान में मेथड्स का बहुत महत्व है। शोध का कार्य विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है, तभी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। TMU के रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने कहा कि समाज के लिए उपयोगी और ज्वलंत विषय पर ही रिसर्च करें ताकि उस रिसर्च से समाज का भला हो सके। उद्घाटन सत्र में अतिथियों का स्वागत PG जूलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर ने किया। सेमिनार में विषय प्रवेश आयोजन सचिव असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नवोदिता प्रियदर्शनी ने की। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर इकबाल अहमद ने किया। मौके पर प्रोफेसर SP राय, प्रोफेसर तपन कुमार घोष, CCDC डॉक्टर KM सिंह, प्रॉक्टर प्रोफेसर रतन कुमार मंडल, परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर समेत कई शिक्षक मौजूद थे। ये नेशनल सेमिनार है डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, जिसमें कि सभी स्ट्रीम के बच्चे भाग ले सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर, टीचर्स। और ये 3 वर्षों के बाद, चूँकि कोरोना में सभी ऑफलाइन एक्टिविटी रुकी हुई थी, उस दौरान हम लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन एक्टिविटी किए, लेकिन ये पहला हो रहा है नेशनल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलेब्रेशन से है। और इसमें ऑल ओवर इंडिया के रिसर्च स्कॉलर्स, टीचर्स और रिसर्च के डायरेक्टर्स इन्वाइटेड हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 दिनों का हमारा ये नेशनल सेमिनार है। हमारे चीफ गेस्ट हैं सागर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर के वाइस चांसलर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं JP यूनिवर्सिटी छपरा के VC डॉक्टर फारूक अली, और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर AK राय जो भागलपुर और मधेपुरा यूनिवर्सिटी के VC रहे हैं। एक और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर KK सिंह जो फॉर्मर वाइस चांसलर रहे हैं भागलपुर यूनिवर्सिटी के। विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारी, विभागाध्यक्ष,
और प्रधानाचार्य सभी इसमें शरीक हो रहे हैं। जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तरडीहा भाड़ोखर मुख्य मार्ग स्थित चांदन नदी पुल के समीप शुक्रवार को बालू लदा अनियंत्रित ट्रैक्टर गहरे गड्ढे में गिर गया, जिससे ट्रैक्टर के नीचे आने के कारण चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वही इसकी सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना प्रभारी मुकेश कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से युवक को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला जा सका। मृतक की पहचान नयाचक मकना निवासी सिकंदर यादव के 26 वर्ष पुत्र संजीत यादव के रूप में हुई है। इधर घटना को लेकर थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि गाड़ी मालिक पर केस दर्ज कर चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के बूढ़ानाथ स्थित बाबा वीरदेश्वर नाथ मंदिर में शुक्रवार को जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जल्द स्वस्थ होने को लेकर हवन पूजन किया गया। इस दौरान राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं ने बाबा बूढ़ानाथ की पूजा अर्चना कर वैदिक मंत्रोच्चार के हवन में आहूति दी और लालू यादव के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की। वहीं इसको लेकर राजद नेता अमर यादव और मुकेश यादव ने कहा कि गरीबों के मसीहा और उनके नेता लालू प्रसाद के अस्वस्थ होने से बिहार समेत पूरी पार्टी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और इसी को लेकर अलग अलग धर्म स्थलों पर उनकी सलामती के लिए पूजा अर्चना और दुआओं का दौर जारी है। मौके पर काफी संख्या में राजद नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजद जिला महासचिव भागलपुर, आज हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के स्वस्थ कामना के लिए हम लोग ने एक हवन का आयोजन किया, जो कि हमारे आदरणीय नेता दिल्ली के एम्स में भर्ती है। उनकी सुखद स्वस्थ कामना के लिए आज हम लोगों ने ईश्वर से कामना करते हुए हवन का आयोजन किया। प्रार्थना कर रहे थे, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी जो आए, वो स्वस्थ हैं और एम्स में भर्ती हैं। ईश्वर से कामना करते हैं जल्द से जल्द वह स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आए और शोषितों, दलितों, वंचितों, करोड़ों बेजुबानों का जो जुबान आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी हैं, वो पुनः आकर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों का सेवा करे। इधर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद जहां उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहीं दो दिन पूर्व उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स भेज दिया गया। फिलहाल लालू यादव के इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है, जबकि उनके सलामती और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बिहार के कई जगहों पर हवन पूजन और दुआओं का दौर जारी है। इसको लेकर भागलपुर के घुरन पीर बाबा की मजार पर राजद कार्यकर्ताओं ने चादर चढ़ाई और उनके जल्दी स्वस्थ होने की दुआ मांगी। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीर बाबा उनकी दुआ जरूर सुनेंगे और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द स्वस्थ होकर बिहार और हम सभी के बीच लौटेंगे। मौके पर काफी संख्या में युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने मजार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की सलामती की दुआ मांगी। आज हम लोग घुरन पीर बाबा स्थान पर आए थे। आज हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का तबीयत काफ़ी बिगड़ गया था, तबीयत में सुधार भी हो रहा है और हम यहाँ पर मिन्नत मांगने आए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव गरीबों के जो मसीहा है, उनकी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इन्हीं का कामना करने में मिन्नत। भागलपुर बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर बीते 6 जुलाई को डाउन दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में कार्य कर रहे चेकिंग स्टाफ को जीआरपी द्वारा ड्यूटी से रोकने और मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के विरोध में पटना शाखा के रेल कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रेलवे अधिकारियों को मामले की जाँच कर दोषी जीआरपी कर्मी के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर शुक्रवार को भागलपुर ERMU शाखा की ओर से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने
ने कहा कि चेकिंग स्टाफ द्वारा की गई बदसलूकी और मारपीट की घटना काफी निंदनीय है और ERMU भागलपुर इसका विरोध करती है। साथ ही कहा कि इस मामले में वरीय अधिकारियों को सकारात्मक पहल करने की जरूरत है जिससे आगे कहीं भी इस तरह की घटना दोहराई नहीं जाए। मौके पर काफी संख्या में रेल कर्मी मौजूद थे। हमारे कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जाता है, उसके लिए हम लोग धरना और प्रदर्शन का आयोजन मतलब GRP द्वारा या इधर उधर के द्वारा किया जाता है। हम लोग उसी के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि रेल कर्मियों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, उनको उचित न्याय मिलना चाहिए और उसके खिलाफ जो फर्जी FIR हो वो बंद होना चाहिए। और यह हमला सिर्फ एक TT पर नहीं है, यह रेल प्रशासन पर हमला है, इसका उचित न्यायिक जांच होनी चाहिए। शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद त्यौहार संपन्न कराने को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन और नगर निगम एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। इसको लेकर शहर में नगर निगम प्रशासन की ओर से साफ सफाई का कार्य जारी है। वहीं शुक्रवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर नाथनगर के चंपा नाला पुल के पास डंपिंग के लिए स्थल चिन्हित कर गड्ढा खुदाई का कार्य कराया गया। इस दौरान नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति अध्यक्ष पप्पू यादव की निगरानी में डंपिंग स्थल पर 4 गड्ढा खुदवाया गया। इधर त्यौहार को लेकर पप्पू अपने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर पर्व की तरह हम सभी आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद त्यौहार मनाएंगे जिससे किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि बकरीद के दिन बचे हुए अवशेष को गड्ढे में डाल दिया जाए जिससे कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं फैले और शहर स्वच्छ दिखाई दे। ये बकरीद के शुभ अवसर पर जिलाधिकारी DM साहब के मीटिंग में जो हर साल की भांति चंपा नाला पुल के इस पार उस बार 2 गड्ढा हुआ था, इस बार 4 गड्ढा हो रहा है। नगर आयुक्त महोदय डॉक्टर योगेश जी का बहुत सहयोग कर रहे हैं। जहां जहां हम सब जिलाधिकारी महोदय DM साहब के नेतृत्व में मांग हुआ था वहां नगर निगम के तरफ से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा, पूजा समिति के देख रेख में यहाँ के प्रभारी के देख रेख में हो रहा है। नाथनगर में जो 18 से 20 हो रहा था उससे ज़्यादा ही हो रहा है। नगर निगम का काम सभी पर में दुर्गा पूजा हो, काली हो, ईद हो, बकरीद हो, सराहनीय काम रहा है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, जल जीवन का आधार है। जल संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी शहर के मुख्य समस्याओं में से एक है पानी की समस्या। गर्मी आते ही भूमिगत जल स्तर नीचे चले जाने से जगह जगह पानी की विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 27 मायागंज में बोरिंग नहीं होने के कारण सैकड़ों घरों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जब लोगों ने इसकी सूचना युवा समाजसेवी विजय कुमार यादव को दी तो तत्काल मौके पर पहुंचकर उन्होंने अपने निजी कोष से बोरिंग का काम शुरू करवाया जिसका शिलान्यास आज युवा समाजसेवी विजय कुमार यादव द्वारा विधिवत रूप से नारियल फोड़ कर किया गया। इस अवसर पर वार्ड 27 के पार्षद उमर चांद भी मौजूद रहे। बोरिंग का काम शुरू होते ही स्थानीय लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। साथ ही वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि या समाज सेवक द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे इलाके के लोगों को पानी की समस्या ना हो। उन्होंने विजय कुमार यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जो आमजनों की जरूरत को समझे और उसे पूरा करे। समाजसेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि पूरे शहर में लोग पानी के लिए परेशान हैं और इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है जिस कारण मैंने लोगों की जरूरत को देखते हुए अपने निजी कोष से कई स्थानों पर बोरिंग करवाकर घर घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की। अब यहां के लोग भी पानी के लिए परेशान नहीं होंगे और ना ही महिलाओं को पानी लाने के लिए दूर जाना होगा। उन्होंने बताया कि शहर के हर घर को पानी आसानी से मिले इसके संकल्प के साथ आगे भी करता रहूंगा। इस अवसर पर मोहम्मद मतीन, उमेश शाह, चंदन कुमार, उमर आजम, मोहम्मद जुदाउद्दीन, अजय पासवान समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। हमारे वार्ड नंबर 27 में पानी का बहुत दिक्कत हो रहा था इसलिए हम लोग बहुत परेशान थे। इसका समस्या लेकर हमारे वार्ड पार्षद उमर चांद जो थे विजय भैया गन गए, जो विजय भैया आने के बाद हम लोगों का ये पानी का समस्या हल किया और अपने तरफ से हम लोग के समस्या को देखते हुए उन्होंने एक बोरिंग दिया। इस बोरिंग से पानी पीने के लिए हम लोग बहुत शांति से 200-250 घर पी सकते हैं और इसके लिए इन सबको हम लोग वार्ड नंबर 27 की जनता धन्यवाद देते हैं। ये वार्ड नंबर 27 मायागंज है और यहाँ के वार्ड पार्षद के द्वारा जो है मुझे खबर मिली थी कि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और मैंने आके देखा कि यहाँ पे लगभग 200-250 घर पानी के लिए बहुत त्राहिमाम मचा हुआ था। तो इनको देखते हुए लगा कि यहाँ पे एक प्याऊ का जो है एक दिया जाए जो कि सब लवामित हो, सबको पानी मिले, रोड पर नहीं जाना पड़े। यहाँ की जो है माताएं बहने रोड पर से जाके पानी लाता था वो अब नहीं लाना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्याऊ का आज विधिवत उद्घाटन किया है
यहाँ की जनता बहुत खुश है इस प्याऊ को देख के। नाथनगर के ललबटिया चौक स्थित नरसिंह भगवान मंदिर ठाकुरबाड़ी प्रांगण में निरंकारी संत समागम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली से आए प्रवचनकर्ता केंद्रीय प्रचारक परम पूज्य महात्मा पंडित अब्दुल गफ्फार के द्वारा किया गया। इस दौरान पंडित अब्दुल गफ्फार ने कहा कि इस कार्यक्रम में परमात्मा से साक्षात्कार कराया जाता है जो सर्वव्यापी सर्वमान्य और कण कण में व्याप्त और निराकार होते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन में ना कोई हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई होता है बल्कि सभी एक परमात्मा के संतान है। साथ ही उन्होंने नर सेवा नारायण सेवा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान पर भी प्रवचन देकर आपस में प्रेम भाईचारा स्थापित करने का संदेश दिया। मौके पर जिला संयोजक दिनेश मंडल, अमरकांत मंडल, छाया शिव कुमार मालाकार सहित काफी संख्या में निरंकारी संतों और लोगों ने हिस्सा लिया। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जहांगीरपुर बैसी में लगातार हो रही कटाव स्थल का विधायक ने लिया जायजा, स्थानीय अधिकारियों की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस द्वारा अवैध वसूली का वीडियो वायरल होते ही एसपी ने लिया संज्ञान, आरोपी पुलिसकर्मी को किया लाइन हाजिर। बकरीद को लेकर बकरा बाजार व गुलजार सुल्तान अजमेरी और शेरू ने मचाई धूम। पीजी जूलॉजी विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ शुभारंभ, कुलपति ने साइंटिफिक रिसर्च को अपनाने पर दिया जोर। और बालू लदे अनियंत्रित ट्रैक्टर से दबकर चालक की हुई मौत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।